शाहीनों की फिर ऊंची उड़ान, कीवीज को दबोच लिया। रावलपिंडी में पाक न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का दूसरा मैच, पाकिस्तान की 7 विकेट से फतेह। मेहमान टीम की जानिब से 337 रन का हदफ। ग्रीन शर्ट्स ने टारगेट 49वें ओवर में ही पूरा कर लिया। फखर जमान की मुसलसल दूसरी सेंचुरी, 180 रन की फातेहाना इनिंग्स खेलकर प्लेयर ऑफ द मैच करार। कौमी टीम को 2-0 की बर्तरी हासिल। दुश्मन अवाम और फौज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में सरगरम, बाहमी रिश्ते को कायम और दायम रखा जाएगा। अवाम की हिफाजत और सलामती से ज्यादा मुकद्दस कुछ नहीं। पाक फौज अपने फर्ज को निभाने के लिए हम वक्त तैयार हैं। अमन के लिए हमारी कोशिशों को किसी सूरत कमजोरी ना समझा जाए। आलमी बरादरी जान ले, मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के बगैर इलाकाई अमन हमेशा मुबहम रहेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पासिंग आउट परेड से खिताब। मुल्क भर में इंतखाबात एक ही रोज होंगे। आईन और कानून का एहतराम सब पर फर्ज। मौजूदा सूरत हाल में वो फैसले किए जाएंगे जिनसे तरक्की की राह हमवार हो। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में नून लीग की क़यादत का दो टोक मौकिफ। मरियम नवाज की भी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। तहरीके इंसाफ से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। मंगल को होने वाली बातचीत के हवाले से भी तफसीली मुशावरत। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखे जाएं या नहीं, इमरान खान की ज़ेरे सदारत इजलास में शिरका की मुख्तलिफ आरा। चौधरी परवेज़ इलाही के घर ऑपरेशन डायलॉग खत्म करवाने की साजिश हो सकता है। हमारी तरफ से सिलसिला खत्म हुआ तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में मौका मिल जाएगा। कुछ रहनुमा बातचीत जारी रखने के हामी, हमारी तजवीज पर अमल ना हो तो मुज़ाकरात खत्म कर देने चाहिए। दूसरे रहनुमाओं का मौका। परवेज इलाही के घर का दरवाजा बख्तरबंद गाड़ी से तोड़ा गया। किसी भी मुहज्जब मुआशरे में ऐसा नहीं हो सकता। ये इलेक्शन से भागने के लिए लड़ाइयां करवा रहे हैं। अगर आइन को खत्म किया गया तो जंगल का कानून होगा। हमें कोई भगोड़ा नहीं चाहिए। इंतखाबात तक मेरा और नवाज शरीफ का नाम ECL में डाल दें। अवाम को फैसले का हक ना दिया गया तो मुल्क का हाल श्रीलंका से भी बुरा होगा। इमरान खान का खिताब। और दूसरी तरफ गिरफ्तारियां, ये तो तजाद है और ये हमारी समझ से बालातर है। मज़ाकरात के लिए तो एक माहौल साजगार बनाया जाता है जिसको आप कहते हैं इनेबलिंग एनवायरनमेंट। ये क्या आप माहौल बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं? आप चाहते क्या हैं? आप इन मज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि यह गुफ्तन नशस्तन बर्खास्तन है? एक तरफ मज़ाकरात, दूसरी जानिब पकड़ धकड़। इसहाक डार से कह दिया बातचीत को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है या ख़त्म करना है। हम चाहते हैं जम्मू टोले और मुल्क दलदल से बाहर निकले। इनके दिल में क्या है ये वक्त ही बताएगा। शाह महमूद कुरैशी का परवेज़ इलाही के घर छापे पर रद्द अमल। हमने हुकूमती वक्त को ज़बरदस्ती नहीं बिठाया। ख्वाजा आसिफ मुज़ाकरात के कायल नहीं तो अपने लोगों से कहें वो उठ जाएं। मौलाना फजलुर रहमान भी डायलॉग की मुखालफत कर रहे हैं जिससे जाहिर होता है कि PDM में दरार है। PTR रहनुमा की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ का 1 मई को रैली का ऐलान। इसहाक डार का PTI की मुज़ाकराती टीम के सरबराह शाह महमूद कुरैशी से राबता। परवेज़ इलाही के घर पर छापे पर इजहार अफसोस। वफाकी हुकूमत का पुलिस के एक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। तहरीक इंसाफ के जज्बात से अपनी क़यादत को आगाह करेंगे। वजीर खजाना की यकीन दहानी। कार्रवाई में कौन है? क्या इलेक्शन आइन की जो स्पिरिट है उसके मुताबिक कौमी और सूबाई असेंबलियों का इकट्ठा होना चाहिए या पंजाब का इलेक्शन 5 महीने पहले करके आप पंजाब को पाकिस्तान के वफाक में बाला दस्ती दे दें?
सिंध और बलूचिस्तान की जो सूबाई असम्बलियाँ हैं वो इसके ऊपर रेजोल्यूशन पास कर चुकी हैं कि इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए। वफाकी हुकूमत ने परवेज इलाही के घर पर छापे की हिदायत नहीं दी, एक दूसरे से लड़ने के बजाय पाकिस्तान को मजबूत करना होगा। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के हवाले से एक जाब्ता इखलाक पर इतफाक करना चाहिए। इंतखाबात तनाज़े हुए तो फिर हमें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं रहेगी, एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। लाहौर में पुलिस की एक बार फिर चौधरी परवेज इलाही के घर आमद, नफरी काफ़ी देर तक साबिक वजीर अला पंजाब की रिहाइश गाह के बाहर मौजूद रही। एहलकारों के वापस जाने पर जहूर इलाही रोड और अतराफ के रास्ते खोल दिए गए। पीटीआई दौर में पीपल्स पार्टी रहनुमा हिम्मत से गिरफ्तारियां देते थे, इमरान खान और परवेज इलाही की तरह डर कर भाग नहीं जाते थे। इलेक्शन कमीशन ने तुम्हारे चेहरे से ईमानदारी का नकाब उतार दिया, तारीखी करप्शन का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। शर्जील मेमन की तनकीद। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहिबजादे की मुबैना ऑडियो लीक, नजम साकिब की पार्टी टिकट के लेन देन पर पीटीआई के रहनुमा अबूजर और मियां उजैर एडवोकेट से बातचीत। बस बाबा को मिलने आ जाएं, शुक्रिया अदा करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, नजम साकिब की गुफ्तगू। जी जरूर, वो तो पहले मैं सीधा उनके पास ही आऊंगा, अबूजर चद्दड़ का जवाब। साकिब न्याजी गठजोड़ नैब न्याजी गठजोड़ से ज्यादा खतरनाक, तहरीक इंसाफ के टिकट फरोख्त किए गए, पैसे जमान पार्क में रखे हुए गले में जमा हो रहे हैं। बताया जाए साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक्स की तहकीकात होंगी या नहीं, वजीर आजम के मावन खसूसी अता तारड़ की गरज बरस। अगर मुल्क में हकीकी पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं होगी मामला आगे नहीं चलेगा, ये पहली बात है समझने वाली। दूसरी बात, आपका ब्यूरोक्रेसी का निजाम है, आपको उसको सबसे बड़ा रेडिकल रिफॉर्म ब्यूरोक्रेसी में है। वफाक का अफसर तहसील में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? वो एक एसपी लगा हुआ है, एक एसी लगा हुआ है। भाई आप वफाकी अफसर है, वफाक में जाके काम करें, तो आप क्या कर रहे हैं? आज गवर्नमेंट ये भी पहचानने में नाकाम है कि उनका मकसद क्या है हुकूमत में होने का, उनकी जिम्मेदारी क्या है। आर्टिफिशियल लीडरशिप इंतहाई नुकसानदेह, सियासतदानों की अहलियत खत्म हो जाए तो मुल्क नहीं चलते। पाकिस्तान में इलेक्शन चोरी होते रहे, तमाम जमातें इक्तदार में आईं लेकिन डिलीवर क्या कर पाईं? मौजूदा निज़ाम नाकाम हो चुका, हम आज तक रूल्स ऑफ बिजनेस ही तब्दील नहीं कर सके, एक दूसरे के सामने सफ़े आरा होने से मसाइल हल नहीं होंगे, चैलेंजेस से निमड़ने के लिए मिलकर बैठना होगा, शाहिद खाकान अब्बासी का तकरीब से खिताब। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर फैसलाबाद का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से रुजू करने का फैसला, इरफान कौसर का सेक्रेटरी ईसीपी को खत, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के असासाजात की तफसीलात मांग ली, ग्रेड 17 से 21 तक के ऑफिसर्स की सीनियोरिटी लिस्ट की तफसीलात भी तलब। हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि जब तक कराची की गिनती पूरी नहीं होगी इसको क्लोज नहीं किया जाएगा। एक जबरदस्त किस्म का सर्वे हमारे पास मौजूद है, इस सर्वे को मैंने वहां प्रेजेंट भी किया कि उसके मुताबिक और तहरीरी तौर पर भी उनको दिया है, इसके मुताबिक तकरीबन आधी आबादी नहीं गिनी गई है। अगर आप ये समझते हैं कि इस मरदमशुमारी को आप फिर जाली तरीके से मंजूर करेंगे तो इस साजिश को हम नाकाम करेंगे। आधी कराची को गिना ही नहीं गया, जब तक गिनती पूरी नहीं होती मर्दमशुमारी का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। अगर आपने मर्दमशुमारी में जालसाजी की तो हम बेनकाब करेंगे, जो वडेरों से मिलकर शहर का सौदा करते हैं उन्हें नहीं छोड़ेंगे, हाफिज नईमुर रहमान की ललकार। पं
पंजाब और सिंध में जरई पानी का तनाज है। चश्मा, जहलम, तौंसा और पंजन कैनाल ना खोलने पर महकमा आबपाशी पंजाब का एहतजाज। इरसा को मुरासला भिजवा दिया। राबता नहरों की बंदिश के बायस कपास की फसल तबाह हो रही है। मंगला डैम से पानी के अखराज के बायस डैम वक्त से पहले खाली होने का खदशा है। खत का मतन, इरसा ने सिंध से वजाहत तलब कर ली। CJA और TP लिंक से मुतालिक इजलास मंगल को तलब। रहीम यार खान के कच्चे में डाकों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का 21वां रोज। खुफिया ठिकानों के खात्मे के लिए पेशकदमी जारी। वागुजार करवाए गए मकामात पर गश्त और निगरानी का निजाम फ़ाल। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग का आगाज कर दिया गया। बारिशों का सिलसिला जारी। कराची में बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ रिमझिम। ठट्ठा समेत अंदरून सिंध भी कई मकामात पर बरखा रुत। मौसम खुशगवार। अमेरिका में फिर गोलियों की तड़तड़ाहट। रियासत टेक्सस में घर पर फायरिंग। 5 अफराद मारे गए। हलाक होने वालों में 8 साल बच्चा भी शामिल। मुलजिम फरार। पुलिस की तहकीकात जारी। और मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए तारीख की महंगी तरीन बोली लग गई। कतरी शहजादे शेख जासिम की जानिब से मालिकान को 15 खरब 78 अरब रुपए से जायद की पेशकश। मुआहिदा जल्द तय पाने का इम्कान।